तुम लोग कौन हो और यहाँ क्यों आए? हमसे पूछने के बजाय हमारी पेशानियों पर सजदों के निशानों से सवाल करो कि हम कौन हैं। हमारे गर्दोगुबार से भरे हुए लिबास से पूछो कि बदनसीबी कितनी दूर से हमारा पीछा करती आ रही है। सही कहा मेरे बुजुर्ग, जुल्म अपना पता खुद बताता है। एक मजलूम के लिए दूसरे मजलूम को पहचानना कोई मुश्किल बात नहीं। तुम्हारे बच्चों की वीरान आंखें और तुम्हारी औरतों के नंगे सर बता रहे हैं कि तुम किसके सताए। गुजरात के इलाकों में मुसलमानों पर जिंदगी अजीरन कर दी गई है। गोरों ने हर तरफ कत्लो गारतगरी का बाजार गर्म कर रखा है। हम बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर यहाँ तक पहुँचे हैं। मेरे बुजुर्ग, हमारे गांव के टूटे फूटे मकानों के दरवाजे अपने बेकस और मजलूम भाइयों के लिए हमेशा खुले। सुना है रियासत में अमन, मगर अब यहाँ भी गोरों के कदम पहुँच चुके हैं। मेरे बुजुर्ग, खुदा तेरे वतन को दुश्मन की नजरे बद से बचाए और इस पर हमेशा इस्लामी परचम लहराता है। Come on, come on.
इसे बचाइए। क्या बात है? अरे मामा, घोड़े को पानी पिलाने पर इसका घोड़ों से झगड़ा हो गया, एक घोड़ा मारा भी गया। फिर सिपाही हमारा पीछा कर रहे हैं, इसको बचा के लाए। भाईजान, मेरी वजह से आप पर कोई मुसीबत ना आ जाए, मुझे जाने दो। मैं सरहद पार करके रियासत गायकवाड़ चला जाता हूँ। तुम कहीं भी चले जाओ, ये तुम्हें कभी चैन से न बैठने देंगे। जब मरना ही ठहरा तो क्यों न दुश्मनों का मुकाबला करते हुए अपने ही वतन की सरजमीन पर जान दो। जाओ फकीर मोहम्मद, इसे अपने अड्डे पर ले जाओ। जा। ये जो तुम गोरों के दुश्मनों को पनाह देते हो, आखिर ये बात कब तक छुपी रहेगी? खुदा ना करे अगर तुम पर कोई मुसीबत आ गई तो मेरा क्या होगा? अरे नाजो, मैं इक्के डिक्के को तो खातिर में भी नहीं लाता। मेरा बस चले तो मैं इनकी पूरी गारत का सफाया कर दूं, लेकिन क्या करूं, तुम्हारी वजह से मजबूर। मीर कादर बख्श पटेल चंद गोरों को साथ लेकर आया है, तुमको और चाचा को बुलाया है। अच्छा, तुम चलो। कादू कादू। व्हाट कादू? कादर बख्श। ओ जमादार उदयवान, तुम इन लोगों को किसकी इजाजत से यहाँ लेकर आए हो? अरे तुम्हारे गांव इलाज में कोई मिसित मिसित है क्या? नहीं है ना सलाम ना दुआ ना ओलकते ना फालकते, सब ऐसे कैसे भेली हो गयो? देखते नहीं हो कितने बड़े सांप को ले आया हूँ मैं, सलाम करो इनको। ये खुशामद तुम्ही को मुबारक हो, मैं अपने वतन पर बुरी नजरें डालने वालों पर सलामती नहीं भेजता। अरे कुछ सोचते समझते हो क्या? मुँह से ओलक देते हो और ओलकते भी हो, मेरे साथ में कौन है? एक विलायत से आए। अगर तुम में जरा भी वतन परस्ती का जज्बा होता तो आज इन गैरों की हिम्मत न होती कि हमारे वतन पर बुरी नजर उठाकर देखते। नहीं नहीं मिस्टर कादरबख्श, आप गलत समझा, हम आप लोग के हेल्थ के वास्ते आया, आपका स्वागत के वास्ते आया। यू सी? अरे बड़े साहब, आप भी साफ साफ बोल रहे उन्हें। अरे कादरबख्श, हम तो कैप्टन विलियम के कातिल को ढूंढने के लिए आए हैं और हमको पता चला है कि तुम लोगों ने उसको छुपाया है, वास्ते हमारे हवाले कर दो, नहीं तो तुम्हारे लोगों की तलाशी लेंगे और बेइज्जती होगी। उदयवान, तुम दूसरों के बल पर मुझे धमकी देते हो, बल पर मुझे धमकी देते हो। मत भूलो कि तुम मेरी जागीर में खड़े हो, ये मेरा आजाद इलाका है और यहाँ मैं किसी की पाबंदी बर्दाश्त नहीं करूँगा। जान की खैरियत चाहते हो तो निकल जाओ यहाँ से। कमान जमादार रोतेवन, लेट अस गो। वेल मिस्टर साधु, सलाम। अरे जाओ रे गंजू। डाको, ओ डाको। अब्बा कुए से गए हैं, थोड़ी देर में आएंगे। क्या काम है? मुझे तंबाकू चाहिए। तुम उधर कर लो, मैं तुम्हें देती हूँ। अरे जरा ठहर जाना। देख लो,
उसी में दे दो। तो लो ये पगड़ी का छेड़ा हाजिर है, इसमें बांध दो। सर बेगैरत बनकर इन गोरों के सामने झुका दिए हैं। तुम चाहते हो कि हम भी झुका दें, लेकिन याद रखो एक मुसलमान का सर तन से जुदा हो सकता है मगर इन गोरों के सामने नहीं झुक सकता। और तुमको हुक्म दिया जाता है कि तुम्हारे हथियार फौरन हमारे हवाले कर दो। हम अपने हथियार हरगिज तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। हम तुम लोग को 24 घंटे का नोटिस देता, तमाम हथियार जमा कर दो और गांव काली कर दो, नहीं तो हम टोप से उड़ा देगा। हथियार
ऐसा न हो कि मेरी गोली तुम्हारी पीठ में लगे। ठहरा फादर बॉक्स, हमारा बाल बच्चों का साथ है बेटा। फादर बॉक्स, उससे मैं आकर राकी को जज्बात के हवाले न करो, बहादुरी के जोश में आकर तुम अपनी खानदानी रिवायत को मत भूलो। क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम्हारे बाप दादा सर से कफन बांधने से पहले खानदान की इज्जत को किसी महफूज मुकाम पर पहुंचा दिया करते थे, ताकि उनके बाद भी उनकी आबरू पे कोई धब्बा ना आने पाए। भाई अल्लाह बख्श, अल्लाह दाद कबीले की औरतों और बच्चों को बलूचिस्तान भेजने की तैयारी करो। ज्यादा क्या खुशनसीबी हो सकती कि वो अपने शौहर की इज्जत पर कुर्बान हो जाए। मैं भी तुम्हारे साथ दुश्मनों का मुकाबला करूंगी। मगर औरतों का जंग में शामिल होना ठीक नहीं। क्यों ठीक नहीं? मुसलमान औरतें कई बार इस बात का सबूत दे चुकी हैं कि वो नाजुक हाथ जो बच्चे के चूल्हे की डोरी खींचते हैं, वक्त आने पर बंदूक तो क्या औलादी तलवार भी उठा सकते हैं। मैं भी एक बहादुर की बेटी हूँ। ठीक है नाजुक, लेकिन बुजुर्गों का यही फैसला है कि तुम भी गांव की दूसरी औरतों के साथ बलूचिस्तान चलो। मुझे अपने आप से बताने का जिंदगी चलती फिरती लाश बन गई। मैं तड़प तड़प करना चाहूंगी। तुम्हें जिंदा रहना अपने लिए नहीं, मेरी निशानी के लिए। आज मैं तुम्हें चुपके से एक बात बताता हूं, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, आज नहीं तो कल मैं भी दूसरे मुजाहिदों की तरह इनके जुल्मों से दम का शिकार हो जाऊंगा। शायद आज के बाद मैं और तुम कहता है कि मरने से पहले तुम्हें एक मरतबा जरूर। अंदर अंदर सरहद पार कर जाएगा। अगर किस्मत ने साथ दिया तो फिर मिलेंगे, वरना ऐ काफले वालों खुदा हाफिज। साथियों, सूरज गुरूब होते ही दुश्मन हमारे गांव पर शुरू कर देगा, लेकिन इससे पहले कि उसकी तोपे आग बरसाए, हम खुद सरों पर कफन बांधकर मैदान में आ जाएंगे। जुमे की नमाज के फौरन बाद दुश्मन पर हमला कर दो। मेरे माबूद, तुझ पर रोशन है कि दुश्मन इस मुल्क से मुसलमानों का नामो निशान तक मिटा देना चाहता है। वो चाहता है कि मस्जिदें वीरान हो जाए, आजानें खामोश करती जाएं और नारे तकबीर बुलंद करने वालों की जबानें काटती जाएं। परवरदिगार, कसम है शहीदों के खून की
मुझे दुश्मन पर फतह पाने की आरज़ू नहीं, मुझे तो इस्लाम की आन, नबी के फरमान और तेरे कुरान पर जान देने की तमन्ना है। बारे इलाहा, तेरे नाम और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपने हकीर बंदों की जानों का नजराना कबूल कर। सूरमाओ धन्य हो तुम पर, तुमने अत्याचार का मुकाबला करके गुलामी की नींद में सोए हुए इंसान को जगा दिया। कोने कोने में कौमी तहरीकें जन्म ले रही हैं, घर घर कोनों के खिलाफ चर्चे हो रहे हैं। वक्त चिंता मत करो, आज तुम अकेले हो, कल सारा देश तुम्हारे साथ होगा और उसमें हरू भाई सबसे आगे होगा। मगर लाल जी, तुम गवाह है ना, मैं गंगा जल की सौगंध खाता हूँ। आजादी की राह में साधु का खून अकेले नहीं बहेगा, उसके साथ हरी भाई का खून भी शामिल होगा। मेरे दोस्तों और साथियों, मैंने जिस मंजिल की तरफ कदम बढ़ाया है उसका रास्ता बहुत दुश्वार और कठिन है। ये वो रास्ता है जिस पर चलने वाला पीछे मुड़कर नहीं देखता। मैंने जो कदम बढ़ाया है वो भी पीछे नहीं हटेगा। मैं एक बार फिर कहता हूँ कि जो शख्स मेरा साथ देना नहीं चाहता वो खुशी से जा सकता। आस पास के देहातों से पलोच कबीले भी अपनी औरतों और बच्चों को रवाना करके हमारी मदद को आ रहे हैं।
दीवान जी, मैं नवाब साहब से मिलने आया था। मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया? मेरा जुर्म रियासत की गद्दारी, हमारे दोस्तों की दुश्मनी, कत्ल और गारत है। ये तुम नहीं, तुम्हारे मुंह में गैरों की जबान बोल रही है दीवान जी, जो हमेशा हक परस्तों को गद्दार कहती चली आई। ले जाओ इसे और खुफिया काल कोठरी में बंद कर दो। कोई राजनीति से नहीं मिलने दिया, बहुत अच्छा काम किया। साहब हमारा काम तो बहुत अच्छा करता है ना, तुमको खबर है ना। मगर साहब ये मुसीबत की जात और फकीर की जात, अगर एक दफा दरवाजा देख लेती है ना तो फिर वापस जाने की कोशिश नहीं करती, बार बार चले आती है। समझेगा ना साहब? पटेल का मतलब है कि कादर बख्श चुपचाप नहीं बैठेगा, बापू से फिर मिलने की कोशिश करेगा। ये मेरा ख्याल है कि आप बापू को पहले से बता दें कि वो बहुत खराब आदमी है, को नहीं मारती बात है। जिसको हम टोक से नहीं मार सका, दीवान उसको गोली से मारना मारता। तो मारने दे साहब, इनमें ऐसा करो ये तो उसके तो भाग में मौत ही नहीं लिखा है। कौन बोलता उसका मौत नहीं, मगर इसका वास्ते थोड़ा सोचने को मांगता। लेट मी थिंक। नंबर वन, कादू का खिलाफ चोरी का रिपोर्ट लिखो। कादू पैलेस में चोरी के वास्ते आया, चौकीदार देखा, फाइट। ये
सिपाही डोक पुकारा, वापसी। एंड नंबर टू। हम लूट गए तो भागे, बता दो। गर्दू बगराने ने हमारी शादी की बर्बादी कर दी। हाँ गर्दू बगराने। क्या गर्दू बगराने ने लूट लिया? भाई क्या गर्दू बगराने डाकू बन गया? कादू मकरानी कौन है? कादू मकरानी ये नहीं मैं हूँ, लेकिन मैंने आज तक किसी गरीब को नहीं लूटा, किसी बेकस को नहीं सताया, किसी के सुहाग पर डाका नहीं डाला, लेकिन इन बेगैरत खुशामदियों ने अपने गोरे मालिकों को खुश करने के लिए मेरे नाम से डाके डालकर मुझे बदनाम करने की कोशिश की। कसम है मुझे अपने वतन की खाक की, आज से कोई गद्दार मेरी गोली से नहीं बच सकेगा। जो सर इन गोरों के सामने झुकेगा वो फिर कभी नहीं उठ सकेगा। तुमने अपनी गैरत और अपने वतन की आबरू बेचकर जमा कर रखी, चांदी जो तुम्हें गद्दारी के इनाम में गौरव मिला। नहीं नहीं जी, मैं गद्दार नहीं। तुम गद्दार नहीं, वतन के सबसे बड़े दुश्मन भी। तुमने गैर मुल्क की माल बेच बेच कर अपने मुल्क के मजदूरों और कारीगरों का उनका जीवन था। नहीं नहीं जी, मैं व्यापार करता हूँ। तुम व्यापार करते, तुम लोग व्यापार की आड़ लेकर अपने बदन का सौदा करते हो। मुल्क को नीलामी पर चढ़ाकर लाखों इंसानों के किस्मत के खेलते हो। सुनो, आज अपने कारोबार का मुनाफा भी वसूल करो। फकीर मोहम्मद, हाँ
अरे लाखो, तुमने तो अच्छी खासी दुकान सजा ली है, कुछ तंबाकू वाकू भी है। ये कौन? मेरा भतीजा है, गुजरात से आया है। अरे अमीना, राजा को तंबाकू तो दे। अब्बा तुम हमेशा भूल जाते हो, मेरा नाम अमीन है। अमीन? अच्छा बच्चा। बच्चा अच्छा है। अरे बच्चा, तुमने नाम तो अमीन रख लिया, इसके माने भी मालूम है। इसके माने है अमानत को संभाल के रखने वाला। तुम अपनी बात करो ना, तुम्हें तंबाकू कितना चाहिए? थोड़ा सा। दुकान में और क्या क्या है? तुम दुकान खरीदने आए, तंबाकू खरीदने, इधर सब कुछ है, तुम्हें क्या चाहिए? अरे चाहिए तो बहुत कुछ, मगर अभी थोड़ा सा तंबाकू दे दो। क्या थोड़ा सा? वहाँ से आ गए सुबह सुबह, मुफ्त तंबाकू मांग। अभी बोनी भी नहीं, थोड़ी देर बाद आना। अरे शुभ, मुफ्त कौन मांगता है? ये ले बॉडी। आप हुई ना बात, आज पहले पहले तुम्हारे हाथ की बोनी हुई है। अरे फिकर ना कर, इतना मिलेगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। अच्छा नाकू। अच्छा बाजा, मामा से मेरा सलाम बोलना। बहुत अच्छा नाकू। अब्बा, ये बासी वाला कौन है? मालूम नहीं, ये आधे वक्त का भतीजा है फकीर मम्मद, बड़ा बहादुर जवान। Thank you.
समझता पड़ा है हम बोलता है इसी तरह हमारा रुमाल देता है कि नहीं देता है बोलता है तो जाता है कि नहीं अकेले भाई अरे किधर भागता पड़ा है अरे तुम इतने से रुमाल के लिए इतना शोर करता पड़ा पकड़ा करना अरे यार तुम तो नाराज हो गया अरे तुमको पसंद भले तुम रखो हम दूसरा ले लेगा हम खूब मारता है ऐसे रुमाल अरे रुमाल तो ले अरे तू जरूर आएगा रंग में भंग डालने रंग में भंग कीमत 25,000 रुपए लगाई जाओ अपने आदमियों को तैयारी का हुक्म दो कल इन गद्दारों पर हम खुद हमला करेंगे दूंगा दिंदान राम 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 जाओ बच्चों अपना काम करो अरे क्या तुझे नहीं मालूम कि साधु गांव पे छापा मारने वाला है इसीलिए तो हम साधु बनकर बैठे हैं साधु आएगा तो खुद हमें देख रही जाएगा तो ये लो कौड़ी साधु ने तो तुम्हें कुछ दे दिया अब तुम्हारे पास जो कुछ है वो भी निकाल निकाल दे दे मार डालेगा और की बातों में आ गया मेरा पूछ ही उठ गया तो जिंदगी बर्बाद हो गया मोहम्मद तुम शेख दमरी लाल की खबर लो मैं मगन लाल जी की तरफ होकर आता हूँ सुना है पार्वती की शादी पेट दमड़ी दास के अंदर है घर में कोई नहीं है पेट बाहर गए हैं आए जरा दरवाजा तो खोलो जरा अंदर तो आने दो अरे सेठ ने गोरा पलटन के घोड़ों के लिए घास भेजी थी उसके दाम लाए हैं रकम तो ले लो मारो गोली तिजोरी कहाँ है जो साहब हाँ तिजोरी तिजोरी हाँ तिजोरी इसमें माल रखना है ना तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो जानती हो हम कौन हैं हाँ हाँ तुम कादू मकरानी हो ना लो ये मेरे जेवर ले लो माल तो सब सेठ जी लेकर चले गए कादू मकरानी और उसके साथी औरतों को कभी नहीं पता चलो Oh!
जिंदगी नहीं दो ये बचाओ। खुदा चप्पी देता है छप्पर फाड़ कर देता है। आसमान फाड़ कर दिया है। ये पानी पी। खुदा चले लो। नमस्ते जी नमस्ते। जी हाँ आपका सेवक। दरवाजा खुला है आ जाओ। आओ पधारो। मगर लाल जी आप अच्छे तो हैं। मुझे मालूम था कि तुम जरूर आओगे, इसीलिए मैंने तुम्हारे स्वागत का पहले ही से इंतजाम कर लिया था। ले जाओ अपनी चीज। मैं समझा नहीं मगनलाल जी। लो ये पारों के सुहाग के फूल पड़े हैं, अगर इनसे तुम्हारी झोली भर सकती है तो भर लो। पार्वती तुम्हारा धर्म का भाई कन्या दान देने के लिए नहीं तुमसे कुछ लेने के लिए आया है, अपना जहेज इसके हवाले कर। आप क्या कह रहे हैं मगन लाल जी। पारो तो बंदर जाओ। मैं ठीक कह रहा हूं। आप गलत समझे हैं मगन लाल जी। मैं यहां किसी और इरादे से नहीं आया। पारो का गरीब भाई भाई उसे अपनी जान का नजराना पेश करने आया है। मगन लाल जी मेरी गिरफ्तारी पर 25,000 का इनाम, मेरी तरफ से यह इनाम पारो की शादी का तोहफा समझ लीजिए। मैं यहां बैठा हूं, जाइए पुलिस को इत्तला कर दीजिए। कातर बख्श मुझे क्षमा करो, मैं तुम्हें गलत समझा था। मैं और तुम्हें गिरफ्तार कराऊं? नहीं, मैं तो कहता हूं तुम पार्वती की शादी में भी ना आना। आपने मुझे पारो की शादी में आने से रोका है इसलिए कि मैं गिरफ्तार ना हो जाऊं, लेकिन कादिर बख्श अपनी बहन पार्वती की शादी में जरूर आएगा, जरूर आएगा। अगर तुम कादू हो तो थोड़ी सी कृपा मुझ पर भी करते जाओ। मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ? मेरे पति तुम्हारे आदमियों का मुकाबला करते हुए मारे गए। मेरा इस संसार में कोई नहीं, मैं कहाँ जाऊँ? मुझे अफसोस है। इसके एवज में तुम्हें बहुत सा रुपया दे सकता हूँ। मुझे धन दौलत की जरूरत नहीं, सुना था आप बड़े दयालु हैं, दुखी और गरीबों की सेवा को अपना धर्म समझते हैं। मैं जीवन भर आप लोगों की सेवा करती रहूंगी। मुझे दर दर की ठोकरें खाने से बचा लीजिए, मैं आपकी विनती करती हूँ। अच्छा आओ मेरे साथ। दिए मालूम है मेरा बाप बुरा है और तेरा जिद तक चली गई है।
इतनी सारी मर्दों में अकेली कैसी रहूं? लाल जी किसी को कहना नहीं। अरे वाह, मैं तो चिल्ला चिल्ला के सबसे कहूंगा। अरे सुनो, अल्लाह के वास्ते मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ, किसी से ना कहना। एक शर्त, ये बताओ तुमने मेरा ये रुमाल अपने पास क्यों रखा है? पता नहीं। नहीं तो चल मगर मुझे। ये रुमाल है ना, वजह से डर गए? यही समझती थी। वेल दीवान, हम लोग सक्सेस हो गया, एकदम कामयाब। इधर का खबर है, इसका साथ डांसर कमला काडू के पास पहुंच गया। काजू गरनार पहाड़ का नाग का जंगल में छुपा। अरे भाई को बुलाओ। तुम्हारा बहुत तारीफ किया, इस वास्ते हम तुमको एडवाइस के लिए बुलाया। हम उम्मीद करता तुम हमारा हेल्प करेगा। दीवान जी, महाराज की कृपा है। राजपूत के पास दो ही चीजें होती हैं, एक उसकी तलवार और दूसरे आन। बोलिए साहब, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? वेरी गुड। हम सुना राजपूत बाट का बहुत पक्का होता। देखो अरे भाई, दीवान साहब हमको बोला तुम काडू का दोस्त है और काडू स्टेट का बागी। हम उसको अरेस्ट करना मांगता, तुम हमको उसको पकड़ कर जाओ। दीवान जी महाराज, पश्चिम से चलने वाली आंधियों का पूरब का रास्ता न बताओ? और साहब, राजपूतों ने हमेशा दोस्तों के लिए अपना खून बहाया है। ये समझा नहीं, हम क्या बोलना मांगता? मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ। तुम चाहते हो मैं अपना बाजू काट कर तुम्हारे हवाले कर दूं। दोस्ती के पवित्र नाते को दगा और फरेब की तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दूं। ओह नो 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 नो, हम तुमसे मुफ्त में हेल्प नहीं लेने को मांगता। तुम हमारा काम करेगा, हम तुमको स्टेट से जागीर दिलाएगा, तुमको जागीरदार बनाएगा। जागीरदार? साहब, आपने हरी सिंह और कादू की दोस्ती की बहुत कम कीमत लगाई। भगवान की सौगंध, जागीर तो क्या, कादू की दोस्ती पर राजपाट भी कुर्बान है। दोस्ती दोस्ती दोस्ती, व्हाट नॉनसेंस। काडू किस माफिक तुम्हारा दोस्त होने को सकता? तुम हिंदू वो मुसलमान, तुमको मालूम नहीं वो हिंदू लोग का कितना दुश्मन।
कादू सिर्फ तुम्हारा दुश्मन है, उसके नजदीक हिंदू और मुसलमान दोनों बराबर हैं। वो एक सच्चा देशभक्त है। कादू को तुमसे ज्यादा मैं जानता हूँ। तुम क्या जानता? दीवान साहब से पूछो। बोलो दीवान साहब, क्या कादू तुम लोगों का दुश्मन नहीं? हरी भाई, दोस्ती के पर्दे में दुश्मनी करने वाले को पहचानना मुश्किल होता है। थोड़ी देर के लिए कादू की दोस्ती की पट्टी अपनी आंखों से उतार दो और गौर से देखो कि कादू रियासत की हिंदू जाति का नामो निशान मिटाना चाहता है या नहीं। वो दौलतमंद हिंदुओं का माल छीनकर गरीब परवरी की आड़ में मुसलमानों का घर भर रहा है या नहीं। अफसोस, अब राजपूती खून में रंग नहीं रहा। वो जो धर्म की रक्षा किया करते थे, कायरों की तरह दोस्ती का बहाना करके अपने फर्ज को भुला बैठे। बहादुर राजपूत, जाकर रियासत के बच्चे बच्चे से पूछो कि तुम्हारे दोस्त के जुल्म और सितम का शिकार मुसलमान ज्यादा हुए हैं या हिंदू। अगर तुम्हें जवाब मिले कि हिंदू, तो इस भयानक जवाब को अपनी दोस्ती के मुंह पर दे मारो। सेवा करने का मौका ही नहीं मिलता। शुक्रिया, रख दो। क्यों, कोई इतराज है? कहीं तो पहले मैं कर लूं। ये इतराज क्यों होगा, और शक की क्या बात है? धर्म का फर्क है ना। जो धर्म इंसान इंसान के दरमियान फर्क की दीवार खड़ी कर दे, वो धर्म धर्म नहीं होता कमला। हमारा मजहब इस्लाम इसी भेदभाव की दीवार को गिराने आया है। जात पात, ऊंच नीच और अमीरी गरीबी का फर्क तो हमारा अपना पैदा किया। अच्छा, आपके इस्लाम में सब मनुष्य बराबर है? हाँ, इस्लाम में सब इंसान बराबर है, कोई बड़ा छोटा नहीं। हमारे यहाँ बड़ाई तो सिर्फ नेकी और इबादत से होती है। पूजा पाठ भक्ति ना। हाँ, और जानती हो सबसे बड़ी इबादत क्या है? इंसानों के काम आते। तो आपका धर्म बड़ा महान है, मैं तो कुछ और ही समझती हूँ। खाइए। सुना है आपके धर्म में विधवा को भी विवाह की इजाजत है? तुमने ठीक सुना है कमला, हमारा मजहब किसी विधवा से जीने का हक नहीं छीनता। बल्कि इस्लाम ने इस बात पर जोर दिया है कि हमेशा किसी यतीम और बेवा से शादी करो।
काश तुम भी मुसलमान हो तो मैं तुम्हारी भी किसी से शादी करा देता। धन्य हो आपको, मुझे किसी के साथ शादी नहीं करनी। आप तो इंसान नहीं, देवता है देवता। खा लीजिए ना। बस मैं खाना खा चुका था। तो फिर आराम कीजिए। हाँ कल्ला, आज मैं बहुत थक गया। ये क्या? देवताओं की सेवा करना कोई पाप तो नहीं? मेरा जी चाहता है कि जीवन भर आपकी सेवा करूं। खुदा के बंदे तो है हजारों, कनों में फिरते हैं मारे मारे, हम उसके बंदे बनेंगे जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा।
चाचा? अच्छे तो हो बेटा, मैं कल से तुम्हें तलाश कर रहा था। खैरियत तो है चाचा, क्या बात? अल्लाह तुम्हें खैरियत से रखे बेटा, हमारी तो यही दुआ है। आओ चाचा बैठो। बेटा तुम नमाज पढ़ते हो? चाचा पहले तो पाबंदी से पढ़ा करता था, लेकिन जब से इन खाना बदोशी के हालात में फंसा कभी कभी कजा हो जाती है। बेटा एक काम जरूर करना, तुम जुमे की नमाज कभी कजा ना करना, इसमें बहुत बरकत है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा। अरे हाँ बेटा, आया तो मैं एक बहुत जरूरी काम से था। दरअसल मैं एक राज की बात बताने आया। ऐसी क्या बात है चाचा? तुमको तो मालूम है मेरा एक लड़का स्कॉट की कोठी पर काम करता है, उसने मुझे आकर बताया कि तुम्हारा दोस्त हरी भाई जागीरदार बनने की लालच में आकर स्कॉट से मिल गया है और तुमको गिरफ्तार करने का वादा किया। वाह है मेरे दोस्त, हम तो दोस्त को भाई के बराबर समझते हैं। अरे भाई यानी भगवान का भाई, ठीक, भगवान का भाई इंसान का भाई कैसे बन सकता है? ठीक। दुश्मन हरी भाई, मैं तुम्हें कभी भाई के नाम से न पुकारता अगर तुम्हारे नाम में भाई का लफ्ज़ शामिल न हो। तो क्या तुम मुझसे लड़ने आए हो? मैं तुम्हारा खून करने आया हूं। बस डर गए? मौत का नाम सुनते ही बहादुरी गुम हो गई? घबराओ मत हरी भाई, कादू जिसे भाई कह देता है उसके जिंदगी का सौदा नहीं करता। कहने को तो मैं भी बहुत कुछ कह सकता हूँ कादिर बख्श, मगर लालच ने तुम्हारी जबान बंद कर दी है। अगर दौलत की जरूरत थी तो मुझसे कहा होता हरी भाई, मैं सौराष्ट्र की सारी दौलत लाकर तुम्हारे कदमों में डाल देता। जागीरदार बनने का शौक था तो मेरी जागीर मौजूद थी, मैं उस जागीर को अपने भाई के नाम पर निछावर कर देता। मुझे सदमा है तो सिर्फ इस बात का कि मेरा जिगरी दोस्त, मेरा हरी भाई दुश्मन की चाल में आकर लालच के जाल में फंस गया है और गैरों की बंदूक उठाकर उसको निशाना बनाना चाहता है जिसे एक भाई बनाया था। वही हरी भाई आज दौलत के नाम पर बिक गया। मुझे अफसोस है हरी भाई, आज के बाद दुनिया तुझे बहादुर कहकर नहीं बुलाएगी। बख्श मत भूलो कि तुमने राजपूत सुलझा दे, आज मैं तुम्हारी बात का जवाब दे सकता हूं। शुक्र है तुम्हारे खून में गर्मी तो आई, आज गुस्से में हाथ मल रहे हो, कल अफसोस में मरे। जरा सोचो, दुश्मन हमें आपस में लड़वाकर हमारे मुल्क की किस्मत का मालिक बन जाना चाहता है, जो इंशाल्लाह कभी नहीं हो सकता। अरे भाई अगर आज हमने आपस की ये लड़ाई खत्म नहीं की तो फिर कभी खत्म नहीं हो सकती।
और जिंदगी भर दुश्मन हमारी इस कमजोरी से फायदा उठाता रहेगा। खुदा हाफिज। तुम्हारा है ना, हम तुमसे बहुत खुश। यू आर ग्रेट स्कॉट साहब, मैं जो कुछ कर रहा हूँ धर्म के लिए कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ ये बताने आया था कि कादू सेठ मगनलाल के घर शादी में जरूर आएगा, इसलिए कि उसने सेठ मगनलाल की बेटी को अपनी मुंह बोली बहन बनाया है। ओह यस यस, हमको भी हमारा जासूस पक्का खबर दिया कि कादू 100% उधर मिलेगा। कादू को गिरफ्तार करने का इससे अच्छा मौका फिर हाथ नहीं आएगा। आप सादे लिबास में अपने सिपाही वहां भेज दीजिए। हम पूरा बंदोबस्त किया, हम पूरा मिस्त्री भेजेगा, हम ये नक्शा बनाया, मगर हमको एक डिफिकल्टी है। वो क्या? हम सुना कादू बहुत वेश बदलता, कभी साधु बनता, कभी बनिया बनता, कभी कुछ बनता, कभी कुछ बनता। हम सोचता हमारा आदमी किस मारे उसको पहचानेगा। उसको मैं पहचानूंगा। राजा जरा चुपके से आओ चलिया पीपल की।
के धुन में गोलियों की गूंज मिलाने की कोशिश न करना, कन्यादान हो जाने लगे। मैं भी यही हूँ और तुम भी। मैं अपना फर्ज पूरा कर चुका, अब पति सेवा ही को अपना धर्म समझना। जाओ जाओ मेरी पुत्री, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। तुम्हारा सुहाग हमेशा कायम रहे।
मौका अच्छा था फिर भी इस मोर्चे से सिपाही भाग चुके हैं। रास्ता साफ है, मैं साथ हूं। अब आप एक गोरा पलटन मंगा के उस पर हमला कर दीजिए। ओह नो नो नो, वो गोरा लोग का पक्का दुश्मन, वो एक गोरा मारेगा गवर्नर हमसे जवाब मांगेगा, हम गोरा लोग का रिस्क नहीं देने को सकता। ऑल राइट डार्लिंग, आई एम गोइंग फॉर एन आउटिंग, बाय बाय। गॉड साहब, ये एक तरकीब समझ में आती है। वो कौन सा वाला? एक लालची भी है जिसे कादू भी जानता है, अगर हम उसे पैसे का लालच देंगे तो वो हमारी बात मानेगा और मौका पाते ही कादू का खात्मा कर देगा। ओ बी बी एक्सीडेंट। जमानत है, मैं तुमसे कुछ बातें करने आया हूं, मेरे यहां से जाने के बाद वो तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। तुम क्या बात करने मांगता? मैं तुमसे पूछने आया हूं, तुमने रियासत और उसके रियाया की हिफाजत का वादा किया था, क्या तुम्हारी हिफाजत का यही तरीका है? एक भाई को दूसरे भाई के खून का प्यासा बनाकर मुल्क की जड़ें खोखली कर दो, इंसाफ मांगने वालों को अपनी तोपों से उड़ा दो, हक की आवाज बुलंद करने वालों के सीने अपनी गोलियों से छलनी कर दो, जवाब दो स्कॉट साहब, कब तक तुम्हारी आस्तीनों से बेगुनाहों का खून टपकता रहेगा? कब तक हमारे मुल्क की लाज को अपने नापाक बूटों से रौंदते रहोगे? कब तक? तुम क्या चाहता? हम इधर से चले जाए? सिर्फ एक कांटे के कम हो जाने से सारा बाग कांटों से साफ नहीं हो जाता स्कॉट साहब, तुम चले जाओगे तो तुम्हारा दूसरा भाई आएगा और वो भी यही खेल खेलेगा जो तुम ठीक कर आए, एक हाथ से लूटना और दूसरे से एहसान जताना, ये झूठ है, ये सच है। तारीख झूठ नहीं बोला करती स्कॉट साहब, दिल्ली के आखिरी ताजदार का किस्सा अभी ताजा है, झांसी की रानी का अंजाम कौन नहीं जानता, हैदर अली और सुल्तान टीपू शहीद का लहू तुम्हारी बदउनवानियों का जीता जागता सबूत है, शेर बंगाल सराजुद्दौला और सरहद के गाजी इस्माइल शहीद के नारे अब भी तुम्हारी नींदें हराम कर देते हैं। देखो देखो मैं लिसन, तुम हमारा बात का गलत मीनिंग लिया, हम तुम लोग को जीने का तरीका सिखाया, तुम लोग के वास्ते नवा नवा चीज लाया, नवा नवा हथियार लाया, नवा नवा मशीन और एक नया मजहब भी लाया। स्कॉट साहब, हमारे मुल्क में मजहबों की पहले ही कौन सी कमी थी, रह गई तुम्हारी मशीनें तो ये मत भूलो कि तुम्हारी मशीनों के बगैर भी हमारे देश की मिट्टी तुम्हारा दोजख भरती रही है
और हमेशा भरती रहेगी। फिर तुम बोलो मैन, हम क्या करने को सकता? स्कॉट साहब, दुनिया में हर बड़े से बड़े काम की इब्तिदा सिर्फ एक शख्स से होती है। मुझे मालूम है मैं अकेला तुम्हें अपने मुल्क से नहीं निकाल सकता। यह भी सच है कि तुम्हारे जुल्म और सितम के खिलाफ आवाज उठाने वाला मैं पहला शख्स नहीं। यह तो शहीदों के लहू की आवाज है जो पुकार पुकार कर कह रही है कि ये मुल्क के दुश्मन है, इंसानियत के दुश्मन है, इन्हें मुल्क से निकाल दो। इस आवाज पर जो भी जागा उसने अपने लहू की कुर्बानी पेश कर दी, और आइंदा जो भी जागेंगे अपने सरों का नजराना पेश करते रहेंगे। मैंने भी इसी आवाज पर लबैक कहा, और तुम भी अच्छी तरह सुन लो स्कॉट साहब, अगर तुमने इंसानियत की इस पुकार को अपनी कौम तक नहीं पहुंचाया तो आज सिर्फ मैं तुम्हारा मुखालिफ हूं, कल सारी दुनिया तुम्हारी दुश्मन हो जाएगी। इतनी जल्दी नहीं। ठीक है ठीक है, डोंट वरी। किस तरह तुम्हारी एक गोली मेरा खात्मा कर सकती है, इसी तरह मेरी एक गोली भी तुम्हारी जान ले सकती है। लेकिन नहीं, मैं इतनी जल्दी तुम्हें मारना नहीं चाहता, और ना ही खुद मरना चाहता हूं, ताकि दुनिया कुछ दिन और जालिम और मजलूम का तमाशा देखे। जैक्सन, शाम को इज्जत के साथ पहुंचाओ। शुक्रिया स्कॉट साहब, ये गोलियां तुम्हें मुबारक। आपको यहां रोके जाने से जो तकलीफ पहुंची है मैं उसकी माफी चाहता हूं, आप जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।
ऐसी सजीली रूप तो जिस पर मान है पंछी एक साथ उड़े हैं दिल में क्या क्या ठान के दिल ने बताया प्यार से हमने तुमको अपना जान के सारी उमरिया प्रीत निभाऊं लिख ले तू ये बात रे बल मातोरी आन के दिल में बताया प्यार से हमने तुमको अपना जान के हम भी बन गए तेरे दीवाने दिल का पहला मान के दिल में बताया प्यार से हमने तुमको अपना जान के वादा करते हैं कि जिंदगी भर एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे मैं भी यही कहती हूँ मगर शादी के बगैर तुम ये वादा कैसे पूरा कर सकते हो जी अच्छा तो ये नाकू का लड़का नहीं लड़की है मामा है आने वाले जुमे को तुम्हारी शादी कर दी जाएगी आज कहाँ रास्ता भूल पड़े शिकार करने निकला था शिकार तो मिला नहीं आप लोग मिल गए चलो अच्छा हुआ लो वो कादर बख्श भी आ गए अरे पीछा भाई ये तो हो बहुत दिनों बाद आए बच्चे तो खैरियत से हैं सब खैरियत से हैं भाई इसे जाने मत देना परसों फकीर मोहम्मद की शादी है उसका चेहरा देख कर जाएगा फकीर मोहम्मद की शादी हाँ किसकी लड़की से मैं नाकू की लड़की से उसकी बात तय कर आया हूँ तुम्हें तो शादी गुलाब था मैं छुपा घूंघट में मुकड़ा गुलाब था
अल्लाह कीजिए काजी साहब। मालूम होता हम पर हमला हो गया, अलग बात तुम इस मोड़ से बचाओ, तुम्हारे तुम इधर के मोड़ से बचाओ, तुम यही ख्याल सकते हो।
अल्लाह तुम्हारा निगहबान। मामा मैं इसे छोड़कर फौरन आ जाऊंगा। नहीं बेटा, जब तक मैं ना बुलाऊं उस वक्त तक वापस ना। फिर मुझे जल्दी बुलाना मामा। और सुनो, अपनी मामी से कहना मेरे लिए दुआ कर।
फांसी क्यों भिजवाना चाहते? अगर मैं उसे यही गिरफ्तार करा दूं तो? तुम नहीं समझते दादू, अगर यहाँ गिरफ्तार हो भी गया तो ये पहले से समाप्त कर देंगे, लेकिन अगर वो हमारे चाल में फंस कर कराची पहुंच गया तो फिर उसे कोई नहीं बचा सकता। इधर आओ, जैसे ही कादू रवाना हो जाए तुम उससे पहले कराची पहुंचकर ये चिट्ठी कराची के थाने में दे देना। डार्लिंग। यस डार्लिंग। फीलिंग बेटर डार्लिंग? वेयर इज अरेबान? ही इज हियर डार्लिंग। प्लीज हेल्प मी अरेबान। अभी क्या करेगा? अब उसको बचाओ। आप फिक्र न करें स्कॉट साहब, जाल फेंक दिया गया है। क्यों दीवान जी महाराज? जी हाँ, बस डोर खींचने की देर है। खींचो खींचो। फादर का बहुत अफसोस कि फकीर मोहम्मद कराची पहुंचते ही गिरफ्तार कर दिए। गिरफ्तार कर लिए गए? अलादाद भैया, हम अभी कराची जाएंगे। फादर बस, हम घर से नमाज पढ़ने के लिए निकले थे। मेरा ख्याल है कि पहले हम जुमे की नमाज पढ़ लें, फिर यहाँ से चलते हैं। हम खुश्की के रास्ते कराची जाएंगे, नमाज कहीं भी पढ़ सकते हैं। चलो देर न करो। यहाँ
कि फकीर मोहम्मद भाई नहीं? हाँ मामा, हम दोनों ने अच्छी तरह देख लिया। मालूम होता है हमारे खिलाफ कुछ साजिश हुई। फादर बख्श, मेरा ख्याल है कि हम लोग मकरान अपने गांव चले और वहां पहुंचकर फकीर मोहम्मद को तलाश करें। हम लोग मकरान जाना चाहते हैं। हाँ हाँ मरवा मिंदी मिंदी आजा मिंदी। अच्छा आप लोग चलो, मैं अभी पानी लेकर आ रही हूँ। अब देखो मिंदी मिंदी आजा मिंदी मिंदी मिंदी। मौत मंडला रही है, पहले यहां से निकल भागने की कोशिश करो। देखो कौन आया। हाँ भाई लल्लू, मामा क्या हाल है? आपकी तरफ आ रहे थे भुजभुजन, देखो थे ना कि कराची में गिरफ्तार हो गए मामा और उन्हें फांसी की सजा हो गई। मम्मी को बहुत याद करते। तुम रो रही हो नाज़, तकदीर के अटल फैसले आंसुओं से नहीं बदला करते। नाजो मैंने गोलियों के जख्म हंस हंस कर सहे, लेकिन लेकिन तुम्हारे ये आंसू। आपने एक बीवी के आंसू तो दे, लेकिन एक मुसलमान औरत की मुस्कुराहटों को नहीं देखा जो वो आपकी कामयाबी पर नजराना बंद कर आई। फखर के इस नूर को देखी
जो आपकी कामयाबी ने उसकी पेशानी को बख्शा है। मेरी एक ही ख्वाहिश है, मेरे बेटे से कहना जब वो जवान होकर मेरी कब्र पर आए तो आजादी की फजाओं में खिलने वाले फूल साथ लेकर आए। इंशाल्लाह आप पर हमेशा आजाद मुल्क ही के फूल बरसा करें। वक्त हो चुका है, वक्त हो चुका है, जाओ मासा, और इस यकीन के साथ जाओ कि सच्चाई कभी नहीं मरती। मेरा ईमान है कि मेरे वतन की पेशानी पर आजादी के उजालों की मुस्कुराहटें जरूर फैलेंगी, जरूर फैलेंगी। जाओ।